वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सलमान, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं खुश हूँ कि इतने हैदराबाद में यंग जनरेशन के इतने नौजवान आगे आ रहे हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक मुहिम चालू हुई है हैदराबाद यूथ के नाम से। तो जैसा कि आप सब तो वाकिफ़ है ही कि हिंदुस्तान में हालात किस तरह से किए जा रहे हैं बीजेपी मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए, NPR, NRC, CAA को लेकर हिंदुस्तान में एक बर्बरता और शैतानियत की जा रही है और इसका शिकार मासूम लोग बनते जा रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया दिल्ली में हुआ जिसमें 40 के करीब या 40 के पार लोग शहीद हुए, जिसके अंदर कई मासूम लोग हैं। हमारी कुछ बहनें हैं जिनके घर जला दिए गए, दुकानात लूट लिए गए। तो इसके चलते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में कई यहाँ पर युद्ध आगे आए, ये मुहिम में जुड़कर इसको कामयाब कर रहे हैं। और एक मुहिम ये चलाए हम लोग कि यहाँ पर जो जो लोग मुस्तैक है दिल्ली में, जो लोग परेशान हैं, जो लोग वहाँ पर तकलीफ़ में हैं, तो उन लोगों की मदद की जाए हैदराबाद युद्ध के ज़रिए। तो हम लोग एक मुहिम चालू करें हैदराबाद में, खुसूसी मेरा एक मैसेज है युद्ध के लिए कि वो युद्ध आगे आए और ये मुहिम में जुड़कर ये मुहिम को कामयाब करे। आप लोग सब लोग निकलकर बाहर आकर इसमें ताउन में हिस्सा ले, ताकि वहाँ पर जो मुस्तैक लोग हैं, जो बहुत ही परेशान हैं, वहाँ पर थोड़ों के घरों में मातम का मंजर बना हुआ है। हम सब लोग इतने किस्मत वाले हैं कि अल्लाह ने हमें ये नेक काम में चुना है। तो मेरी आप सब लोगों से एक यही गुजारिश है कि आगे बढ़ चढ़कर आए और ये मुहिम में ताउन में हिस्सा ले। ज़्यादा नहीं, बस आपसे एक रुपये की एक मांग है आपसे जितना हो सकता इसमें ताउन में शिरकत फरमाइए। और ये मुहिम 31st ये आखिरी दिन तक चलेगी, ये महीने की आज जो मुहिम चालू हुई है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग हैदराबाद से एक टीम बनाई है कि हैदराबाद यूथ के नाम से, कि हम लोग दिल्ली में जो बर्बरता हुई है, जो स्कूल्स पे हमले किए गए हैं और मार्केट्स को जलाया गया है, तो उनको हम किस तरह से मदद कर सकें। कई कॉल्स आ रहे हैं हमारे को कि भाई हम उनकी कैसा मदद करें, हम तो इतनी दूर जा नहीं सकते, तो हम उनकी कैसा मदद कर सकें। तो हम लोग आप लोगों के लिए एक आसान ज़रिया बनाएं, इंशाल्लाह हमारी टीम वहाँ पर जाएंगी, वहाँ के हालात से आपको वाकिफ़ करवाएंगी। तो आप लोगों के लिए हम एक ज़रिया बन रहे हैं यहाँ पर, आप लोग हमारे से मदद लीजिए और आप लोग हमारा साथ दीजिए इसमें। आप लोग से जो भी हो सकता आप आके इसमें हिस्सा लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कैसी मदद कर सकता हूँ। आपसे भी जितनी भी मदद हो सके, चाहे वो एक रुपये की भी शक्ल में हो, तो भी आप हम लोग मदद दीजिए। इंशाल्लाह हमारे बहन भाई, छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने वालिद को खो चुके हैं, अपनी माँ को खो चुके हैं। तो लिहाजा हम लोग, हमारे मुँह से भी वो बात नहीं आ रही कि हम लोग बयान नहीं कर सकते, वो वैसा हालत में वो लोग गुजर रहे हैं। अल्लाह हमको एक मौका दिया है, हम लोगों के ज़रिए उनकी आप लोगों की हेल्प वहाँ तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। हम ये अल्लाह से उम्मीद करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको इस नेक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता करें। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयद जलालुद्दीन है। ये जो दिल्ली के वाक़यात हुए, हमको बहुत तकलीफ़ हुई। हिंदुस्तान को क्या, सारी दुनिया में गम का एक माहौल है कि जिस तरीके से ये बर्बरता हुई। हम कोई मज़हब पे नहीं, हम इंसानियत पे काम करने के लिए जुड़े हैं और आप सबको ये एक ही मैसेज दे रहे हैं कि कम से कम एक रुपया डोनेट करिए। ये सारे नौजवान, कोई इसमें पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, कोई जमाती नहीं है, ये हैदराबाद की यूथ है। और अल्हम्दुलिल्लाह कई डिस्ट्रिक्ट से भी हमें कॉल आ रहे हैं कि यूथ जुड़ना चाह रही है, ताकि वो अपने इस खैर के काम में आगे बढ़ना चाह रही है। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग भी जुड़िए हमसे, या कम से कम आप
एक ही रिक्वेस्ट है, कम से कम एक रुपया आप लोग डोनेट करिए, क्योंकि हम हैदराबाद में कई नौजवानों को देखते हैं कि दिन में 100-100 रुपये चायों में, सिगरेटों में, गुटखों में डाल देते हैं, उसमें से एक रुपया निकाल के दीजिए सिर्फ, ताकि अल्लाह ताला के पास आपको इसका अजर मिले और जन्नत में आपका मुकाम बने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद इरफान खान है। आज दिल्ली के जो हालात चल रहे हैं, आप सब वाकिफ़ हैं उससे कि दिल्ली में कैसे लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, रोडों पर निकल कर मुसलमानों की जान ली जा रही है, कि बस जो जो उसमें ज़ख्मी हुए हैं, जो जो शहीद हुए हैं, जिस जिस के घर लूटे गए हैं, जिस जिस की दुकानें लूटी गई हैं, सब रोडों पे मुसलमान आ गए वहाँ पे। बस हम लोग ये सोचे हैं कि हम कैसे वहाँ के लोगों की मदद करें, कि वो एक ज़रिए से हम लोग एक तरकीब निकालें कि कम से कम एक रुपया वहाँ के लोगों की मदद करें। वैसे तो हम लोग बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं दिन में, सुबह से शाम तक दुनिया के पैसे खर्च करते हैं, लेकिन एक रुपया बस कम।